तो समझ लो शिव तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हुआ है, हर जगह खड़ा हुआ है। विश्वास पक्का होना चाहिए। ये दुनिया के लोग ये बात करते हैं ना, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, तो किसी ने कुछ कर दिया हमारी दुकान के ऊपर, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर। ये ऐसी बात वही करते हैं जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अरे भाई, जैसे धूप है, छांव है, दिन है, रात है, उसी तरह जिंदगी में, व्यापार में, तरक्की में, उन्नति में कभी सुख है तो कभी दुख है, बराबर चलते रहते। ये आप किसी से नहीं कहें कि मेरे को दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार में कुछ कर दिया, किसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया, ये कर दिया, मैं बीमार हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उस पर विश्वास पूरा रखिए। शंकर जी कहां रहते हैं? शंकर भगवान कहां रहते हैं? दो स्थान, एक कैलाश, दूसरा शमशान। काशी भी शमशान ही थी। अभी इससे पहले जब हरिद्वार की कथा कही तो उसमें कहा था काशी शमशान जो भगवान शंकर को प्रिय था। दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था शिव जी को कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो काशी में शिव रहे, काशी शमशान। एक कैलाश पर रह रहे, दूसरा शमशान में रह रहे। शमशान में रहने वाला भगवान शिव, शमशान में रहने वाले भगवान भोलेनाथ, शमशान में रहने वाले मेरे शंकर, शमशान में रहने वाले मेरे शिव, जो स्वयं अघोरियों के भी अघोरी हैं, तांत्रिकों के भी तांत्रिक हैं, ज्योतिषी के भी ज्योतिष हैं। ये ज्योतिष विद्या तो बाद में चालू हुई साहब, सबसे पहला तो ज्योतिष आचार्य मेरा भगवान शंकर था। और उन्होंने ज्योतिष ही कोई साधारण जगह पर नहीं करी। राम जी के दरवाजे पर जाकर कह दिया ये राम है। भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कह दिया यशोदा रानी तेरी गोदी में जो लाला है इस पे काल मंडरा रहा है। यशोदा जी ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? शंकर जी बोले मैं सब जानता हूँ क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ। इससे बड़ा ज्योतिषी कहाँ मिलेगा? घड़ी उसने बनाई, पल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, समय उसने बनाया, महीना उसने बनाया, वार उसने बनाया, तिथि उसने बनाई, सब कुछ निर्माण उसने कराया। शिव से बड़ा ज्योतिषी कौन होगा? शंकर से बड़ा तांत्रिक कौन होगा? शंकर भगवान से बड़ा अघोरी कौन होगा?